सब ना कुछ सीरीज कर रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी कोई सीरीज स्टार्ट कर दूं। और इस सीजन में आम से बेटर सीरीज और क्या हो सकती है। तो आज से लेके 15 दिन तक मैं डेली आम की कुछ ना कुछ रेसिपी बना के दिखाने वाली हूं, चाहे वो रेसिपी पक्के आम की हो या कच्चे आम की। आज की रेसिपी तो मेरे दिल के बहुत करीब। जब मैं बचपन में समर सीजन में कोलकाता जाती थी तो मेरी एक मामी ये रेसिपी बना के मुझे खिलाया करती थी। पर सबसे दुख की बात ये है कि अब वो मामी हमारे बीच में नहीं। तो मैंने सोचा क्यों ना आज उन्हीं की रेसिपी बनाया जाए। ये रेसिपी है आम दिए टॉक। वैसे तो ये कोई भी दाल से बन सकती है, मेरी मामी बनाती थी मूंग दाल से, इसलिए मैंने भी मूंग दाल से ही बनाया है। और सच बता रही हूँ, ये खाने में इतना ज्यादा टेस्ट होता है, आप नॉर्मल दाल खाना ही भूल जाओगे। एक बार की बात है कि मामी ये दाल बना रही थी, तो मैंने उनसे जाके पूछा कि आपने ये रेसिपी कहाँ से सीखी। तो उन्होंने मुझसे कहा कि बंगाली लोग को रेसिपी सीखने की जरूरत नहीं होती है, बस आइटम दे दो वो उनसे कुछ ना कुछ बना ही देते हैं। तो ऐसे ये आम दाल की रेसिपी भी खुद से ही बन गई। तो मैंने उनसे पूछा था कि आपको आम से और क्या क्या बनाने आता है, बट उन्होंने तब मुझे बोला ही नहीं क्योंकि मैं बहुत छोटी थी। अब मैं बहुत रिग्रेट फील करती हूँ कि काश उन्होंने मुझे कुछ बोला होता तो आगे रेसिपीज बनाने में मुझे बहुत काम आ जाता। तो चलो, ये रेसिपी अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना।